नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में आज आपको बताने वाला हूँ एडिट एज के बारे में कि कैसे आप एडिट एज के अंदर कैसे आप रिमूव कर सकते हो, एज को स्प्लिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो वर्टेक्स को एंड ऑल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास एक यहाँ पे बॉक्स मैं लेता हूँ, कुछ इस टाइप का मैंने एक बॉक्स लिया और इसकी मैंने सेगमेंट इंक्रीज किए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे वर्टेक्स पे क्लिक किया था तो यहाँ पे आया था एडिट वर्टेक्स, जो मैं आपको वर्टिसेस बता चुका हूँ कैसे आप एडिट कर सकते हो, इन सब चीजों के बारे में बता चुका हूँ। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ एजिस पे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट एज। आप एजिस को कैसे एडिट कर सकते हो, क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट वर्टेक्स को। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी एक वर्टेक्स ऐड करना है एडिट पॉली ऑप्शन में, तो आप यहाँ पे इंसर्ट वर्टेक्स पे क्लिक करके वर्टेक्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके ये वर्टेक्स है, ये सारे के सारे आपके वर्टेक्स है, अगर आपको कोई भी वर्टेक्स ऐड करना है यहाँ पे किसी भी एज के मिड में या कहीं पे भी, तो आप एजिस पे क्लिक करें और यहाँ पे इंसर्ट वर्टेक्स पे क्लिक करें, और जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे देखो आपका एक न्यू वर्टेक्स वहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। कहीं पे भी क्लिक करके आप अपने एक वर्टेक्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको कोई भी एज रिमूव करनी है यहाँ से तो आप इंसर्ट वर्टेक्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एज रिमूव करनी है तो आप रिमूव किसी भी एज को सिलेक्ट कर सकते हैं एज की हेल्प से। किसी भी एज को देखो यहाँ पे, अगर अब एज पे हैं तो एज को ही सिलेक्ट कर पाएंगे, अगर आप वर्टेक्स पे हैं तो आप वर्टेक्स को ही सिलेक्ट कर पाएंगे, अगर पॉलीगन सिलेक्ट करते हो तो आप सिर्फ पॉलीगन को ही सिलेक्ट कर पाएंगे। अब मैं एज पे हूँ तो मैं किसी भी एज को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और किसी भी एज को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर रिमूव पे क्लिक करूंगा, वो एज आपकी वहां से रिमूव हो जाएगी। अगर अगर आप किसी भी एज को क्लिक करके डिलीट करते हैं, अगर आप माउस कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो देखो यहाँ से पूरा सरफेस ही पॉलीगन ही आपका कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा जो इस एज से रिलेटेड था। तो आपको डिलीट नहीं करना है, मैं अंडू करता हूँ। अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है रिमूव करने के लिए तो आप बैकस्पेस यूज कर सकते हैं। बैकस्पेस से आप अपने किसी भी एज को रिमूव कर सकते हैं। इस एज पे क्लिक किया, बैकस्पेस क्लिक किया, तो आप ऐसे अपने बैकस्पेस की हेल्प से अपनी एज को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे करके आप रिमूव का यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है स्प्लिट एजेस। अगर आपको एज को स्प्लिट करना है, स्प्लिट इन द सेंस मान लो आपने यहाँ से इसको क्लिक किया और इसको लूप कर दिया, लूप पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, लूप होता है पूरा, इसको लूप में सेलेक्ट करेगा। अगर आप क्लिक करके रिंग करोगे तो उसके रिंग में सेलेक्ट करेगा, अगर आप क्लिक करके इसको लूप करोगे तो वो पूरा लूप में सेलेक्ट करेगा। ये मैंने यहाँ पे लूप किया, लूप करने के बाद अगर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ तो क्या होगा, ये इसको स्प्लिट कर देगा। अब ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, उसका हमें पता चलेगा एलिमेंट की हेल्प से। आप एलिमेंट पे क्लिक करो, इस एलिमेंट को आप अलग से सेलेक्ट कर सकते हो, इस एलिमेंट को अलग से सेलेक्ट कर सकते हो, इस एलिमेंट को सेलेक्ट करके आप मूव भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसे आप मूव कर सकते हो इस चीज को, ऐसे आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हो। आप यहाँ से भी स्प्लिट कर सकते हो, नीचे वाले पोर्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, मान लो आपने इसको सिलेक्ट किया और इसको लूप कर दिया, अब यहाँ पे लूप नहीं होगा, सिर्फ इतने पोर्शन को वो लूप करेगा। इतने पोर्शन को लूप करके अगर आप स्प्लिट कर देते हैं तो एलिमेंट की हेल्प से आप इसको इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे आप अपने पार्ट्स को यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप स्प्लिट करके आप अपने, जैसे होता है ना पार्ट्स को अलग अलग दिखाना होता है, ऐसे आप अपने पार्ट को अलग अलग वे में यहाँ पे दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर है? तो ये था आप स्प्लिट कर सकते हैं। अब बात आती है वेल्ड करने की। मान लो आपको एजिस को वेल्ड करना है, मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ यहाँ पे, अब इसको मुझे वेल्ड करना है इससे। क्लियर? तो वेल्ड करने के लिए बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं इस एज पे क्लिक किया, इस एज पे क्लिक करने के बाद मैंने इस वाली एज पे क्लिक किया, इन दोनों एजिस को मुझे वेल्ड करना है, तो इन दोनों एजिस पे क्लिक करके मैं अंडू करता हूँ।
मैं इनको मिलाता हूँ आपस में कुछ ऐसे। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि आपको अच्छे से वेल समझा पाऊँ। कुछ यहाँ पे ऐसा, अगर मैं एज की हेल्प से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों को मैं वेल्ड करना चाहता हूँ, तो दोनों को क्लिक करके मैं यहाँ पे जा सकता हूँ वेल्ड पे। वेल्ड की सेटिंग पे क्लिक करना है। वेल्ड की सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस आता है, वेल्ड थ्रेशोल्ड आता है। वेल्ड थ्रेशोल्ड का मतलब है कि इनके बीच में जितना डिस्टेंस है हमें मिनिमम उतना डिस्टेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो मैं इस डिस्टेंस को इंक्रीज करता हूँ। जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा, जब इसका डिस्टेंस आ जाएगा तो वो क्या करेगा, इन दोनों को वेल्ड कर देगा। तो ये डिस्टेंस मेजर करता है कि इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना आपको मिनिमम यहाँ पे रखना होगा, वरना वो वेल्ड नहीं करेगा। अगर इस डिस्टेंस से कम आप डिस्टेंस रखोगे तो वेल्ड नहीं करेगा, ज्यादा रखोगे तो यहाँ पे वेल्ड करेगा। यहाँ पे आपको बताएगा कि बिफोर 2523 एजिस थे और उसके बाद हो गए 521 एजिस, क्योंकि एक वेज आपका वेल्ड हो गया। देन आप ओके कर सकते हैं। ये तो था वेल्ड। अगर आप टारगेट वेल्ड करना चाहते हैं, टारगेट वेल्ड में क्या है कि आप दो एजिस को टारगेट्स करके वेल्ड कर सकते हैं। तो उस वेल्ड और टारगेट वेल्ड में डिफरेंस ये है कि अगर आप टारगेट वेल्ड पे क्लिक करेंगे, मान लो आपको इस पे क्लिक करके और इससे वेल्ड करना है, आप इस पे क्लिक करके ड्रैग करके आप इस पे छोड़ सकते हैं, तो वो वाली एजिस वहां से मूव होके यहाँ पे आ जाएगी और इससे वेल्ड हो जाएगी। वेल्ड में क्या था, दोनों की मिडल पॉइंट पे जाके आपके एजिस वेल्ड होंगी, और टारगेट वेल्ड में क्या होगा कि जिस टारगेट को आप क्लिक करके लेके जाएंगे वही आपका उस पे जाके वेल्ड होगा, कुछ इस तरीके से। तो ये डिफरेंस होता है वेल्ड और टारगेट वेल्ड के अंदर। आप अगर क्लिक करते हो, मान लो आपको वेल्ड करना है, मान लो इस पे क्लिक किया और आपने डिफरेंट एज चूज की इसके सामने वाली, अगर आप अब वेल्ड करते हो तो आप इस तरीके से भी वेल्ड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सामने वाले को ही आप वेल्ड कर सकते हो, आप डिफरेंट को भी यहाँ से वेल्ड कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? तो मैंने किया यहाँ पे ओके। कुछ इस तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे वेल्ड कर सकते हो। तो ये था इंसर्ट वर्टेक्स, रिमूव एजेस, स्प्लिट एंड वेल्ड एंड टारगेट वेल्ड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सट्रूड, चैम्फर, ब्रीज, कनेक्शन, इन सब चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वीडियोस ऐसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।